गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हमने कल ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को फिनिश कर दिया था, आज हम स्टार्ट करेंगे म्यूटेशन। आज हम बात करेंगे म्यूटेशन, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए भी और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। म्यूटेशन जहाँ से क्वेश्चन अराइजेस होते हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें चाहे आप अपने एग्जाम की बात करेंगे, तो म्यूटेशन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जरूर अराइज होता है। तो आज हम बात करेंगे म्यूटेशन कि म्यूटेशन क्या होता है। तो म्यूटेशन क्या होता है आपको आइडिया है, आपने ट्वेल्थ में भी पढ़ा है कि म्यूटेशन क्या होता है, आपने एनसीईआरटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि म्यूटेशन क्या होता है। तो म्यूटेशन क्या होगा कि सडन जो चेंजेस होते हैं जो अचानक चेंजेस होते हैं जीन क्रोमोजोम में, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। तो जो भी सडन चेंजेस होंगे, जो अचानक जो चेंजेस होंगे, एक चीज ध्यान रखना कि कुछ जो चेंजेस होते हैं वो अचानक चेंज होते हैं, सडन चेंजेस होते हैं, और जो अचानक और सडन चेंजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं म्यूटेशन। जबकि जो धीरे धीरे चेंजेस होता है, जो धीरे धीरे मीन्स जिसमें ग्रेजुअली क्या होता है, चेंजेस होता है, जो धीरे धीरे क्या होता है, चेंजेस होते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। ये ध्यान रखना, इवोल्यूशन बोलते हैं हम, इवोल्यूशन बोलेंगे, जहां पे धीरे धीरे चेंजेस होगा, जहां पे ग्रेजुअली क्या होंगे, चेंजेस होंगे, जहां धीरे धीरे चेंजेस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन। ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट है कि जहां पे धीरे धीरे चेंजेस होंगे, जहां ग्रेजुअली चेंजेस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन बोलते हैं, और लेकिन जहां सडन चेंजेस होगा उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। और म्यूटेशन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। और क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा, मींस कंटिन्यूअस नहीं होगा। डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये क्या है कि जैसे मान लो 2 पीढ़ी तक हो गया, 3 पीढ़ी तक हो गया, 4 पीढ़ी तक हो गया, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, इज ए डिसकंटिन्यूअस टाइप होता है। मींस कि ये 1 पीढ़ी में हो गया, 2 में हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मींस कंटिन्यूअस नहीं चलेगा, अगर कंटिन्यूअस चलता तो हम म्यूटेशन क्या होगा, कंटिन्यूअस होता, जो क्या होगा, बहुत हार्मफुल होगा। तो म्यूटेशन क्या होगा, सडन होता है, मींस अचानक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस मतलब 1 पीढ़ी तक हुआ, 2 पीढ़ी तक हुआ, उसके बाद ये क्या हो गया, खत्म हो गया, मींस ये कंटिन्यूअस नहीं रहेगा लाइफ में। और ये क्या होता है, हेरिटेबल होता है। क्या होगा, हेरिटेबल होगा। हेरिटेबल आप सबको पता है स्टूडेंट कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। हेरिटेबल मींस वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। इस जनरेशन में तो अगली जनरेशन में भी जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेरिटेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेरिटेबल बोलेंगे। और वेरिएशन होगा किसमें, जीन में। अगर चेंजेस हो रहे हैं तो वेरिएशन तो ऑब्वियस सी बात है कि जीन में क्या होंगे, वहां पे वेरिएशन होंगे। और जीन में जैसे ही वेरिएशन होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। क्या बोलेंगे उसको, म्यूटेशन। तो ये क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी, इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की आप डेफिनेशन आप क्या बताओगे, आपको कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे कि जो सडन चेंजेस होते हैं, सडन मीन्स अचानक जो चेंजेस होते हैं, जो डिसकंटिन्यूस चेंजेस होते हैं जीनोम में, सडन चेंजेस होते हैं, जो हेरिटेबल रहते हैं मींस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, और जीन में क्या होगा, वहां पे वेरिएशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे। मींस जीन में क्या होगा, वहां पे वेरिएशन होगा। जीन में जब वेरिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे जीनोम में क्या हो जाएगा, वहां पे म्यूटेशन हो जाएगा। तो म्यूटेशन क्या हो गया, सडन जो चेंजेस हो रहे हैं जीनोम में, और वो क्या रहेंगे, डिसकंटिन्यूअस रहेंगे, कंटिन्यूअस नहीं रहेंगे, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी में जाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और वो क्या रहेंगे, हेरिटेबल रहेंगे। मींस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होगा, वो म्यूटेशन ट्रांसफर होगा, और जीन में क्या होने लग जाएगा, वहां पे वेरिएशन होने लग जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, म्यूटेशन बोलते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना कि म्यूटेशन इज जनरली, म्यूटेशन क्या होता है, इज जनरली रिसेसिव। ये ध्यान रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है कि म्यूटेशन हमेशा क्या होता है, रिसेसिव होता है। ये ध्यान रखना कि म्यूटेशन इज जनरली क्या होता है, रिसेसिव। आपने जेनेटिक्स पढ़ी है, मुझे लगता है आपने जेनेटिक्स पढ़ी है, तो आपने वहां पे डोमिनेंट एलील्स पढ़े होंगे, डोमिनेंट पढ़ा होगा वहां पे, और क्या पढ़ा होगा वहां पे, रिसेसिव पढ़ा होगा। जब आप मेंडल्स लॉ की बात कर रहे हैं, या आपने मेंडल्स जेनेटिक्स जो पढ़ी है उसमें आपने डोमिनेंट और रिसेसिव जरूर पढ़ा होगा कि एलील्स क्या है, वहां पे डोमिनेंट है, वहां पे क्या है, रिसेसिव है। तो डोमिनेंट जैसे मान लो टी कैपिटल टी, ये क्या है, वहां पे डोमिनेंट एलील्स है, और ये रिसेसिव क्या है, ये टी यहां पे क्या है, ये रिसेसिव है। तो ये आपने जरूर पढ़ा है जेनेटिक्स में कि डोमिनेंट
एलील्स और रिसेसिव एलील्स। तो जो एक्सप्रेस होते हैं, जो एक्सप्रेस होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। जो अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं, जो एलील्स अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे, जो एलील्स एक्सप्रेस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट कंडीशन। वो क्या होंगे, डोमिनेंट कंडीशन होंगे। और वो जो हेरिटेबल होंगे वो दूसरे जनरेशन में इसी फॉर्म में जाएंगे, तो वो क्या होंगे, वहां पे एक्सप्रेशन शो करेंगे। अगर वहां पे रिसेसिव कंडीशन है तो ये एक्सप्रेस नहीं होंगे, नॉट एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि वो क्या है, रिसेसिव है, वो एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर पाता है। मीन्स ये जो डोमिनेंट है ये इस रिसेसिव के एक्सप्रेशन को क्या कर देता है, दबा देता है, ये सप्रेस कर देता है। ये डोमिनेंट इस रिसेसिव के एक्सप्रेशन को क्या कर देता है, वो सप्रेस कर देता है। तब म्यूटेशन क्या होता है, इट जनरली रिसेसिव होता है, मीन्स अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पाता है, नॉट शो नॉट एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं, मीन्स अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पाते हैं। तो रिसेसिव कंडीशन आपको क्लियर हो गई स्टूडेंट्स, कि एक जब जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि एक डोमिनेंट कंडीशन होती है, एक क्या होती है, हमेशा रिसेसिव कंडीशन होती है। तो डोमिनेंट कंडीशन मान लो टी टी है, और ये स्पेशल कंडीशन क्या होगी, रिसेसिव कंडीशन क्या होगी, स्मॉल टी टी होगा। तो ये क्या होगा, डोमिनेंट हम किसको बोलेंगे, कि जो वहां पे क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस कंडीशन में रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वहां पे डोमिनेंट बोलेंगे। और जो एक्सप्रेस नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव कंडीशन बोलेंगे। और वो डोमिनेंट जो एक्सप्रेस हो रहा है वो रिसेसिव को क्या करेगा, दबाएगा, सप्रेस करेगा, सप्रेस दबाना। तो जो डोमिनेंट होगा वो उस रिसेसिव कंडीशन को क्या करेगा, दबाएगा, मीन्स वो क्या करेगा, वहां पे सप्रेस करेगा। तो जो म्यूटेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, कि म्यूटेशन इज जनरली रिसेसिव होता है। रिसेसिव मींस कि वो अपने एक्सप्रेशन को क्या नहीं कर पाता, शो नहीं कर पाता, उसको हम क्या बोलेंगे, कि म्यूटेशन इज जनरली रिसेसिव। और यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी अराइज होता है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि म्यूटेशन किस टाइप का हो, तो आप वहां ऑप्शन आपको देंगे डोमिनेंट, रिसेसिव, सप्रेसिव। तो आप क्या बोलोगे, कि म्यूटेशन हमेशा क्या होता है, जनरली रिसेसिव होता है। तो आपको टर्म रिसेसिव क्लियर होगी, कि वो अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पाता है। और जो म्यूटेशन जो टर्म है वो किसने कॉइन की थी, आपको सबको पता है, टर्म वाज कॉइन बाय हुगो डी व्रीज। टर्म वाज कॉइन बाय, ये किसने दी थी म्यूटेशन टर्म, कॉइन बाय हुगो डी व्रीज, हुगो डी व्रीज ने, हुगो डी व्रीज ने क्या दी थी टर्म, दी थी क्या, म्यूटेशन। म्यूटेशन टर्म किसने दी थी, हुगो डी व्रीज एक साइंटिस्ट था, उसने टर्म दी थी क्या, म्यूटेशन। और इसने कब दी थी, जब इसने काम किया था ओइनीथेरिया लेमार्कियाना। और ओइनीथेरिया लेमार्कियाना को हम बोलते हैं इवनिंग प्रिमरोज, या इसको हम बोलते हैं इवनिंग प्रिमरोज प्लांट पे इसने क्या किया था, काम किया था। तब इसने क्या बताया था, कि म्यूटेशन होता है, सबसे पहले म्यूटेशन इसी साइंटिस्ट ने देखा था, किसने देखा था, हुगो डी व्रीज ने, क्योंकि ये म्यूटेशन टाइम ही किसने दी है, हुगो डी व्रीज ने। ये ध्यान रखना कि म्यूटेशन टाइम किसने दी थी, हुगो डी व्रीज एक साइंटिस्ट था, इसने सबसे पहले म्यूटेशन टाइम दी थी, सबसे पहले म्यूटेशन को खोजा था। और इसने कहां खोजा था, इसने काम किया था ओइनीथेरिया लेमार्कियाना, एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं इवनिंग प्रिमरोज, क्या बोलते हैं इवनिंग प्रिमरोज, ओइनीथेरिया लेमार्कियाना। इस पे जब इसने काम किया था तो सबसे पहले इसने म्यूटेशन इसी प्लांट में देखा था। तो आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि सबसे पहले हुगो डी व्रीज ने म्यूटेशन किस में खोजा था, तो आप क्या बोलेंगे, ओइनीथेरिया लेमार्कियाना, या ऑप्शन आ सकता है इवनिंग प्रिमरोज प्लांट। तो सबसे पहले हुगो डी व्रीज ने म्यूटेशन की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। तो क्लियर है आपको कि म्यूटेशन क्या होता है, कि जीनोम में क्या होंगे, चेंजेस होंगे। क्रोमोजोम में क्या हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। जीन में क्या हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। वेरिएशन होने लग जाएगा जीन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे। और वो चेंजेस क्या होंगे, हमेशा सडन होंगे, अचानक जो चेंजेस होंगे जीन में या जीनोम में या क्रोमोसोम में, उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे। और वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, मीन्स दो पीढ़ी में हो गया, तीन पीढ़ी में हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, वो हेरिटेबल होगा, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। वो वेरिएशन होगा किसमें, जीन में, जीन में क्या होने लग जाएगा, वहां पे वेरिएशन होने लग जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे। और म्यूटेशन कौन सी कंडीशन में होगा, हमेशा रिसेसिव कंडीशन में होगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। और इसकी जो टाइम है, म्यूटेशन किसने खोजा था, हुगो डी व्रीज ने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। और कौन से प्लांट में किया था इसने, ओइनीथेरिया लेमार्कियाना, मींस ओइनीथेरिया लेमार्कियाना एक प्लांट था इवनिंग प्रिमरोज, इसमें इसने क्या किया था, डिस्कवर किया था। किसने, हुगो डी व्रीज एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, इस म्यूटेशन को क्या किया, डिस्कवर किया था। म्यूटेशन टर्म को क्या किया था, कॉइन किया था, म्यूटेशन टर्म को इसने खोजा था, किसने, हुगो डी व्रीज ने।
अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ म्यूटेशन की, कि म्यूटेशन के टाइप क्या क्या होते हैं। तो अगर हम टाइप ऑफ म्यूटेशन की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की, कितने टाइप के म्यूटेशन होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि म्यूटेशन के जो टाइप हैं वो बेसिकली तो क्या होते हैं, एक होता है क्रोमोजोमल म्यूटेशन, एक क्या होगा क्रोमोजोमल म्यूटेशन। इसको थोड़ा सा समझेंगे हम, क्रोमोजोमल म्यूटेशन क्या होता है। सेकंड होगा जीन म्यूटेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, जीन म्यूटेशन। अब इसमें क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस जो जीन म्यूटेशन है इसको हम रियल म्यूटेशन भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रियल टाइप का म्यूटेशन भी बोलते हैं। किसको, जीन म्यूटेशन को। ये ध्यान रखना कि जो जीन म्यूटेशन होता है उसको हम रियल टाइप का क्या बोलते हैं, म्यूटेशन भी बोलते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की बात करें हम, तो सबसे पहला म्यूटेशन है क्रोमोजोमल म्यूटेशन, और इस क्रोमोजोमल म्यूटेशन को हम बोल सकते हैं क्रोमोजोमल एबरेशन। क्या बोल सकते हैं इसको हम, क्रोमोजोमल एबरेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोजोमल म्यूटेशन, जो फर्स्ट टाइप का है म्यूटेशन क्रोमोजोमल म्यूटेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोमल एबरेशन। और सेकंड क्या है यहां पे, जीन म्यूटेशन। तो इस जीन म्यूटेशन को हम क्या बोलेंगे यहां पे, रियल म्यूटेशन। क्या बोलेंगे, रियल म्यूटेशन। अब अगर मान लो कि हमारी बॉडी है, अब हमारी बॉडी में क्या रहेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, मान लो ये हमारी बॉडी है, अब इस हमारी बॉडी में क्या रहेंगे, यहां पे सेल्स रहेंगे, क्या रहेंगे, सेल्स रहेंगे, और इधर से क्या आ रहा है, कोई म्यूटाजन आ रहा है। मान लो ये म्यूटाजन है, और म्यूटाजन हमेशा ध्यान रखना कि म्यूटाजन कुछ भी हो सकता है भाई। ये मान लो यहां से क्या आ रहा है, म्यूटाजन आ रहा है, ये मान लो कोई म्यूटाजन है, और म्यूटाजन क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखना म्यूटाजन की अगर आपको डेफिनेशन भी पूछी जाती है तो म्यूटाजन को क्या बोलोगे, वो एजेंट जो क्या करेंगे, कोज करेंगे म्यूटेशन को, दोज एजेंट जो कोज करेंगे किसको, म्यूटेशन को, वो एजेंट जो म्यूटेशन को कोज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजन। तो ये डेफिनेशन लिख लेना आप म्यूटाजन किसको बोलेंगे, वो एजेंट जो क्या करेंगे, कोज करेंगे किसको, म्यूटेशन को कोज करते हैं, ऐसे एजेंट को हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजन। जो एजेंट कोज करते हैं म्यूटेशन को, वो एजेंट जो कोज करते हैं म्यूटेशन को, उन एजेंट को हम क्या बोलेंगे, म्यूटाजन बोलेंगे। और वो म्यूटाजन कुछ भी हो सकता है, एक्सरे, गामा रेज, कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूटाजन। तो ये मान लो हमारी बॉडी है, अब यहां पे क्या आ रहा है, कोई म्यूटाजन आ रहा है। अब ये क्या है, सेल्स। अब इस सेल्स में क्या होगा, सेल्स में क्या प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगे, यहां पे डीएनए प्रेजेंट होगे। ये तो आपको पता है कि सेल्स, भाई ये सेल्स है, सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा, यह आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ये क्या है, सेल्स है, सेल्स के अंदर क्या रहेंगे, न्यूक्लियस रहेंगे, और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा स्टूडेंट, हमेशा डीएनए रहेगा। तो कोई म्यूटाजन है वो हमारे सेल्स, हमारे बॉडी सेल्स में क्या आ रहा है, अगर वो रिएक्ट कर रहा है बॉडी सेल्स पे, तो सेल की भी दो कंडीशन होती है। एक ध्यान रखना कि सेल की भी क्या होगी, दो कंडीशन होगी। एक तो सेल में क्या होता है, डिवीजन होता है। सेल साइकिल जब पढ़ते हैं हम, तो सेल साइकिल पढ़ते हैं तो क्या होता है, वहां पे डिवीजन होता है। सेल साइकिल में क्या होगा, डिवीजन होगा। तो एक कंडीशन तो वो होगी कि सेल क्या करेगा, डिवीजन प्रोसेस में जाएगा सेल। ये जो सेल्स है ये कौन सी प्रोसेस में जाएगी, डिवीजन प्रोसेस में जाएगी। अब जो डिवीजन प्रोसेस होता है सेल, अगर डिवीजन फेज में है तो उस टाइम क्या होगा, वहां पे क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। तो सेल अगर इफ सेल अगर डिवीजन प्रोसेस में है तो क्रोमोसोम इज नॉट प्रेजेंट। ये ध्यान रखना, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये पता नहीं रहता लोगों को कि अगर सेल डिवीजन प्रोसेस में जा रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है, कंटिन्यूस डिवाइड हो रहा है, तो वहां पे क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। वहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, उस टाइम प्रेजेंट होंगे क्रोमेटिन। उस टाइम क्या प्रेजेंट होंगे, वहां पे क्रोमेटिन प्रेजेंट होंगे। और जैसे ही सेल डिवीजन प्रोसेस को खत्म कर लिया, तो जैसे ही डिवीजन प्रोसेस को खत्म करेंगे तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे कि सेल कौन सी स्टेज में है, रेस्टिंग फेज में, कि सेल वहां पे रेस्टिंग फेज में है। तो रेस्टिंग फेज में क्या प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इस टाइम सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, मींस रेस्टिंग कंडीशन में। तो वहां पे क्या होगा, क्रोमोसोम क्या होगा, वहां पे
प्रेजेंट होगा। अब क्रोमोसोम वहां पे अगर प्रेजेंट होगा तो जब रेस्टिंग स्टेज होगी तो जो म्यूटेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम म्यूटेशन। क्या बोलेंगे उसको हम, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो ध्यान आपको आया समझ, थोड़ा सा देखना कि मान लो कोई म्यूटेशन है, कोई ऐसा एजेंट है जो म्यूटेशन को क्या कर रहा है, कोज कर रहा है। भाई म्यूटेशन हम किसको बोल रहे हैं, उस एजेंट को जो म्यूटेशन को क्या कर रहा है, कोज कर रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन अगर हमारे बॉडी से टकराया तो हमारे बॉडी में क्या है, सेल्स है, सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस में क्या है, वहां पे डीएनए है। तो अब अगर सेल की दो कंडीशन होती है, या तो सेल डिवाइड कर रहा होता है या सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है। अगर डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो उस टाइम हम उसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग स्टेज। अब अगर सेल डिवाइड कर रहा होता है तो उस टाइम उसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ क्रोमेटिन क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। क्रोमेटिन क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। अगर सेल रेस्टिंग स्टेज में है तो वहां पे क्रोमोसोम क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। वहां पे क्रोमोसोम क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। तो रेस्टिंग स्टेज में अगर क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे तो रेस्टिंग स्टेज में कौन सी म्यूटेशन होगा, फिर क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्योंकि रेस्टिंग स्टेज में क्या है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो रेस्टिंग स्टेज में अगर ये सेल है तो म्यूटेशन यहां पे क्या कर जाएगा, एक्ट कर जाएगा और उसको क्या कर देगा, म्यूटेट कर देगा। तो रेस्टिंग फेज में अगर क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो रेस्टिंग फेज में क्या होगा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन कंडीशन कॉज हो जाएगी। क्या हो जाएगा, वहां पे क्रोमोसोम का म्यूटेशन हो जाएगा। और अगर सेल डिवाइड कर रही है तो वहां पे क्रोमोसोम तो होगा नहीं, तो जीन क्या आएगा वहां पे, कॉन्टेक्ट में आएगा। तो जीन जैसे ही कॉन्टेक्ट में आया तो जीन भी क्या हो जाएगा, वहां पे म्यूटेट हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीन म्यूटेशन। क्लियर है आपको कि भाई सेल की दो कंडीशन होगी, एक तो सेल डिवाइड कर रहा होता है, एक सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है। अगर डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज। अगर डिवाइड कर रहा होता है तो उसके अंदर क्रोमोसोम अब्सेंट होते हैं, क्रोमेटिन प्रेजेंट होंगे। तो अगर क्रोमोसोम अब्सेंट होंगे, क्रोमेटिन प्रेजेंट होंगे, तो वहां उस टाइम को जीन क्या होगा, उसके कॉन्टेक्ट में आएगा म्यूटेशन के, और वहां पे क्या हो जाएगा, जीन म्यूटेशन। उसको हम रियल म्यूटेशन बोलते हैं। और रेस्टिंग स्टेज अगर होगी तो वहां पे क्रोमोसोम क्या होंगे, क्रोमोसोम अगर वहां पे प्रेजेंट होंगे तो क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे तो कौन इफेक्ट होगा, म्यूटेशन से क्रोमोसोम इफेक्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर क्रोमोसोम रेस्टिंग स्टेज में है, भाई सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, रेस्टिंग स्टेज में है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, वहां पे क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो म्यूटेशन से कौन संपर्क में आएगा, क्रोमोसोम संपर्क में आएंगे, तो वहां पे क्या होगा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोलते हैं। और सेकंड क्या होगा, जीन म्यूटेशन। तो डिवाइड कर रहा होगा तो वहां पे क्या होगा, जीन म्यूटेशन, क्योंकि कॉन्टेक्ट में कौन आएगा, जीन कॉन्टेक्ट में आएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीन म्यूटेशन। और जीन म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलेंगे, रियल म्यूटेशन। तो सेल क्रोमोसोम म्यूटेशन कब होगा, जब सेल होगा इन रेस्टिंग फेज में। सेल कौन सी कंडीशन में होगी, रेस्टिंग कंडीशन में। सेल कौन सी कंडीशन होगी, सेल इन रेस्टिंग कंडीशन, तब वहां पे क्या होगा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तब वहां पे क्या होगा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और जीन म्यूटेशन कब होगा, जब सेल कौन सी प्रोसेस में होगा, सेल इन डिविजन प्रोसेस में। सेल इन डिविजन कंडीशन में होगा या डिविजन प्रोसेस में होगा, तब वहां पे क्या होगा, जीन म्यूटेशन। अगर सेल डिविजन प्रोसेस में जा रहा है अगर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीन म्यूटेशन। और सेल अगर रेस्टिंग स्टेज में है, रेस्टिंग कंडीशन में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहां पे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन कब होगा, जब सेल रेस्टिंग स्टेज में होगा, रेस्टिंग कंडीशन में होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्योंकि वहां रेस्टिंग स्टेज में क्रोमोसोम क्या होंगे, कॉन्टेक्ट में आएंगे किसके, म्यूटेशन के। और अगर जीन म्यूटेशन है तो वो डिविजन प्रोसेस में जब सेल चलती रहेगी तो डिविजन प्रोसेस में जीन कॉन्टेक्ट में आएगा किसके, म्यूटेशन के। तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीन म्यूटेशन, या फिर उसको हम बोलते हैं रियल म्यूटेशन। तो क्लियर है स्टूडेंट आपको, मैंने आपको बेसिक आइडिया बता दिया है कि म्यूटेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन क्या है, इसको हम डिटेल में करेंगे कि क्या क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है, क्रोमोसोमल एबरेशन क्या है, जीन म्यूटेशन क्या है, इसको हम थोड़ा जीन लेवल पे भी देखेंगे। तो ये ऑल आर बेसिक म्यूटेशन है। अब आपको क्लियर है, आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। थैंक यू।